करूंगा। मैं आपके सामने आपसे कहा था कि मनुष्य इतिहाद मुस्लिम के ऐलान के बाद कि हम बसपा कल्याण के जमीनी इंतखाबात में लड़ेंगे। अल्लाह के बंदों पर से दूल्हे भाई के आने से पहले कैसे हुआ मेरे नाम पे हुआ या सारे 600 करोड़ के सेलेक्शन पे हुआ। बीजेपी में खुद अल्लाह के फजल व करम से माशाल्लाह झगड़े शुरू हो गए। लक्ष्मण ने बोल रहे अर्जुन ने बोल रहे तो ये अच्छी बात है ना, ऐसे नहीं होना क्योंकि इनके हमारे समाज के लिए अपनी बात को जरा रखूंगा। तो ये हो गया। अब दूसरी बात, कांग्रेस के लोग गाली दे रहे हैं, अच्छा है भाई, ऐसा है ना इंसान क्या फितरत जैसी रहती उन्हें उसी धर्मा से बात कर रहा जैसा दिमाग में रहा गाली को गाली देता हूं। अब जैसा यूपी के चीफ मिनिस्टर माइक सामने था तो लवलेस सी बोल रहे हो, हम दोनों में चीन से बोलते हैं आप रूसी बोल, वो उनकी खाबी है तो कांग्रेस के लोगों की जो खाबी है थी दिमाग में जो भरा रहता जिंदगी उसको कुछ भी बोल रहा आप उस बता के निकल गया। अब मैं नहीं बोल सकता, मैं ट्विटर ट्विटर थोड़ा पढ़ा रहा हूं वो बात बोलती है। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछ रहा हूं भाई साहब आप मेरे बारे में जिक्र करें बहुत अच्छा है क्योंकि आपको पूरे भारत में एक ही नंबर नजर आता है। मेरे सवाल का जवाब दो आप 2018 में क्या है कि वहां कुछ बोले तो वो कुछ फाइट हो गए शायद हमारी तो हमारे को बोल दो भाई साहब तुम्हारी इतनी सारी लेन है तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है अभी खाली स्टार्ट कर रहा हूं। तेरा कांग्रेस के मेले जीत के बीजेपी में चले गए अब इसके बारे में कोई बात नहीं करते। और फिर कांग्रेस पार्टी में दो ग्रुप है हमारे पीछे नहीं पड़ते तू लड़ते रहो अल्लाह करे तुम्हारी और कलीज बढ़ते जाए अल्लाह करे कि लक्ष्मण और अर्जुन में और दुनिया पैदा हो अल्लाह करे कि येदुरप्पा और ईश्वरप्पा में और दुनिया पैदा हो अल्लाह करे कि दोनों खत्म हो जाए सियासी तौर पर। आप आमीन को बोल सकते हैं कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है दुआ कर रहे हैं हम लोग। याद रखो आप एक एक बात मेरे बारे में बोलेंगे आप एक उंगली उठाएंगे मैं 10 उंगलियां तुम्हारे तरफ दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। अब जेडीएस से आ जाएंगे जेडीएस इनके 3 भाग येदुरप्पा के पास
बोले नहीं पसंद नहीं हमको तुम्हारा समुद्र भाग। तीनों को तीन भाग। अरे तुम्हारा तो चीज तुम्हें सर तुम बने, तुम्हारा तो छोड़ के भाग गए मेरे पूछते हैं क्या उनको कल्याणी बिरयानी खिला तुम्हारा जाओ। गए गए तीन गए नहीं गए। अब उसका जिम्मेदार कौन? दूल्हे भाई। हर चीज का अरे अगर कुछ भी गलत कर लिया बसपा कल्याण में, अगर गुरु की बात में भी सुबह चार बजे मेरी शेरवानी गई हुई यहां से भैंस दूध देगी नहीं नहीं यहां से कुछ बोले होंगे मंदिर वाले गए होंगे बाबा चौधरी गया होगा यहां से कितने गलतियां आप कर रहे हैं। जेडीएस के तीन भागे, कांग्रेस के 13 भागे और फिर मंदिर को बीटी मंदिर को काटने आए और फिर बोलते थे उनको पैसों से खरीद लिए। अरे भाई साहब तुम भी देते तो मैं क्या करूं। और फिर बीजेपी में तो माशाल्लाह लक्ष्मण यादव हैदराबाद से आ रहे डिवाइड कर रहे बसपा कल्याण को टीवी देखे क्या टीवी मालूम है टीवी कहा है असल खस्ता क्या है तकलीफ क्या है मैं आपको बोलता हूँ। तकलीफ ये है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का इलेक्शन लड़ना इनके लिए बात तकलीफ है। वो हरगिज ये नहीं चाहते कि बसपा कल्याण में गरीब और मजलूम आवाम की एक लीडरशिप बने। ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते कांग्रेस बीजेपी जेडीएस वाले। इनको डर इस बात का हमेशा ये मजलिस वाले जहां भी जाते लीडरशिप को बनाते। और हमारा काम भी यही है कि जमीन से लीडर बने क्योंकि ना आसमान से कोई जमीन आने वाला है ना कोई जमीन से निकलकर कोई लीडर आने वाला है। लीडर आपके दरमियान में ही कोई बनेगा और वो बनेगा इंशाअल्लाह ताला बसपा कल्याण में आपकी क़यादत बनेगी इंशाअल्लाह ताला और वो आपको बनाना है। मैं कोशिश करता रहूंगा आपके सामने आकर लड़ता रहूंगा मगर बनाना तो आपको है और ये बनना जरूरी है क्योंकि जब अहले गहरे हमारी जिंदगियों का फैसला करते आए हैं अब अहले गहरे नहीं करेंगे। अब बसपा कल्याण से आपका बेटा आपका भाई आपका बाप आपका दोस्त आपका रिश्तेदार करेगा। ये इनको तकलीफ होती है कि ये क्या हो रहा है। इनका मामला यह है कांग्रेस का जेडीएस का बीजेपी का कि इनको कभी भी इनकी लीडरशिप बनने मत दो इनको मोहताज बना के रखो हमारा इनको मोहताज बना के रखो इनको हमारा डर इनके दिलों में बिठा के रखो इनको खौफ दिलाओ इनको नाउम्मीद कर दो इनमें कभी जुस्तजू करने की शक्त पैदा ना हो सके इनमें हरकत करने की कैफियत पैदा ना हो ये इनकी कोशिश है। और मैं अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे वादा कर रहा हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक असदुद्दीन ओवैसी और मेरे तमाम मजलिस रुका इस वतन अजीज में मजलूम आवाम के नई लीडरशिप को पैदा करेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे क़यादत को बनाएंगे और बनाकर जाएंगे इंशाअल्लाह। आप ये देखो हम बंगाल में इलेक्शन लड़ रहे हैं
छत सीट पर लड़ रहा है, सात सीट दुनिया की इतनी तकलीफ, इतनी तकलीफ कुर्सियां कांग्रेस तो बढ़ गई, वो लेफ्ट जो लेफ्ट फ्रंट, वो लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस का बंगाल में बेहतरीन अपनी जमाने बहुत उतरावा शहर है, नहीं जिंदा लाने चलाने वाले कॉन्ट्रैक्टर ट्रेलर बैटरी का चार्ज करने वाले सब पूरा इंजन खोल के रख देते यहाँ पर, तो इस बात से तकलीफ का आगाज की इंजन को खोला था, आप असल गाड़ी चलाने वाले और इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि बस कल्याण में आप एक नई तारीख को रकम करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसीलिए गुलबर्गा से इलियास बागवान साहब शादी की तारीख से तय करते हैं, बात को पक्की कर लो, रुखा बाद में कर पाएंगे, हम भी इलियास बागवान से कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए और हमने इसलिए किया कि बहुत से लोगों में ये गलत कहनी है कि पांच साल पहले मनीष इत्तेहाद मुस्लिम जब इलेक्शन लड़ी नहीं लड़ी तो लोग ये बोल रहे हैं नहीं आपके बाद भी मनीष और नहीं लड़ते इलेक्शन, पांच साल पहले भी नहीं लड़े थे, तो मैं आपको बताने आया हूं कि आने वाले ये इलेक्शन में तो हमारे कैंडिडेट हैं बाबा चौधरी है, असेंबली इलेक्शन जब आएंगे इंशाल्लाह हम ना सिर्फ गुलबर्गा बल्कि बिदर, उमराबाद, बीजापुर वो जगह है कर्नाटक में हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे। हम बात कर रहे हैं हमारे गुलबर्गा के सदर का नाम अब्दुल रहीम है, उनको और एक नाम हम करेंगे मालूम सहला मिर्ची से मिर्ची को लगा दिया उनके पीछे, तो ये लड़ना है इलेक्शन, इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी मजलिस तैयारी कर रही है। उस्मान गनी अभी तकलीफ सुनिए आप कनाडा जवान में ऐसा पानी कैसा बोलते हो तड़ातर उस्मान गनी साहब अभी बोल रहे थे साहब हुगली को जाना है, हुगली के मुफ्ती साहब हुगली के काजी साहब आए थे हैदराबाद, बोले आप आइए, अब मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला कि वहां जाऊं, मैं वादा किया था कि रमजान से पहले आऊंगा मगर यहां कहीं नहीं इंतखाबात आ गए, बंगाल के इलेक्शन में भी जाना है इंशाल्लाह ताला, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हाँ कोशिश करेंगे उस्मान गनी साहब, तो ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कर्नाटक के ताल्लुक से प्रोग्राम बीदर में बल्दिया के इलेक्शन हो रहे, हम भी लड़ रहे वहां लड़ेंगे, लड़ने से क्या तकलीफ है, और इंशाअल्लाह ताला बीदर में सबसे ज्यादा कॉर्पोरेटर मजलिस के जीत के आएंगे इंशाअल्लाह ताला, इसलिए कि माशाल्लाह से वहां पे कांग्रेस है उन्हें भी हमारा मजनू है, एक मासूम औरत को ले जाकर सेडेशन का चार्ज लगा के जेल में डाल दिए, ये कांग्रेस वालों को तौफीक नहीं हुई जेल में जाकर उससे मिलने की, मेरे को वहां बिदर से वहां के एक शरीफ एक कोई बुजुर्ग फोन करके बोले असदुद्दीन अवैसी साहब क्या आप लोग इतने कमजोर हो गए कि हमारी बहन को जेल में डाल दिया गया, आपको हिम्मत नहीं है कम से कम वहां के जेल में मिलने की, मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मुझे उनकी बात सही लगी, बात सच बोलने से इंसान की अना को तकलीफ होती है मगर उस इंसान को मालूम होता है कि सच्चाई है, दिल्ली से सुबह फ्लाइट लेकर आया और सीधा बिदर के जेल को गया और जाकर हमारी बहन से और उनसे मुलाकात किया,
ये सब चीजें तो पसंद नहीं आती, उनको यही तकलीफ है। अब कांग्रेस वालों का एक और मसला है, उनके बहुत बड़े लीडर है, उनका नाम मेरे सत्ता में उन्होंने हार गए अमेठी में, अमेठी में हार के उन्होंने भागना केरला में रहे। अब कर्नाटक केरला का इलेक्शन हमारा इलेक्शन में वो क्या कर समंदर में कूद के चले गए क्या कांग्रेस पार्टी को अगर आप वोट देंगे तो याद रखिए वो फिर कपड़े भाग देने वाले मलिक के जरूर आपको तेरा तो भाग कर और येदुरप्पा ऐसा बैठे हुए आजा मैं तेरे को बनाता हूं क्या बनाता हूं मेरे मामा कितनों को बनाते रहे मामा लोगों ने तो ये कांग्रेस पार्टी का हाल हो चुका है। अब जेडीएस का मामला ऐसा है कि हम बिचारे एक के बाद उनकी रिपोर्टें घटते जा रहे हैं। ये होने वाला इसीलिए मैं आपसे गुजारिश है कि 17 अप्रैल के दिन आप मुतहदा तौर पर बेखौफ होकर आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को भी बात हक में वोट दीजिए। बसपा कल्याण के बहुत से मसाले हैं, बसपा कल्याण के ट्रेन है नहीं है नहीं है ट्रेन की आवाज सुनते नहीं है ट्रेन की बात करते हैं। अच्छा बीजेपी 6.5 साल से दिल्ली में विद्रोह है, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, ये बिगर डिस्ट्रिक्ट में 2 बार एमपी हो गए। ट्रेन का इतना दिन बोलते हो, अरे भाई ट्रेन लेके आना था ना बसपा कल्याण में कुछ नहीं, बीमार हो तो बीजेपी 16 अप्रैल हैदराबाद जाना पड़ता है, जाना पड़ता बेशक बीमार हो तो बीजेपी जाना, ये 16 अप्रैल जाना हैदराबाद जाना, फिर भी वोट देते नहीं देते। ये अस्पताल हो ना बाबा जो ने छोटा तालाब तो खोल ले कम से कम, अब एमएलए बन गए तो लड़के इंशाल्लाह ताला बार गवर्नमेंट का सोचा यहाँ पे बुला सकते हैं। तीसरी बात आपको यहाँ पे हमारे बस देर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, बस है जाने बच्चों को पढ़ाने के लिए बस तो हमें आना, अगली बंदी की बस तो हमें आना, ये बात ही नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। आज ये महिला के बारे में बात करते हैं तो मेरी महिला आई है तो मेरे लिए प्यार हो, मेरी मोहब्बत में तुम मर जाओगे इंशाल्लाह मुझे मालूम है। मतलब बसपा कल्याण के लोगों को तकलीफ है, आप कम से कम बस तो डालते ताकि एक बस दे यहाँ बच्चे बच्चिया कहाँ से भी आते क्या करूँगा स्कूल को कॉलेज को जा सके। अच्छा यहाँ पर पीने के पानी का भी इंतजाम नहीं, खाली घोड़े घरों का था पीने का पानी, ये आपके बुनियादी मसाले। फिर इससे हट के आप देखो आपके पास माशाल्लाह से 150 किस्म की जड़ी बूटी है, 150 किस्म की जड़ी बूटी है पूरे बसपा कल्याण में। अगर सही रिसर्च करे तो यूनान में आगे बच्चे को फायदा होता। अच्छा कुछ नहीं कह रहे वो बाबा को जाना था तो सास करा के सिखा ये यहां से लेके इससे फोड़ो उससे पीछे फोड़ो तो कोई बुलाना
150 गरीब उठता है तो 150 गरीब उठने को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक गरीब उठी वोट देना है, उसका नाम मिलने से चार बल उस कुछ नहीं करते। अच्छा फिर यहाँ पे अब हमारे हड़ापार बरादरी के भाई कम्युनिटी के लोग है तो उनके बारे में प्रभु चौहान के मिनिस्टर प्रभु चौहान साहब ये बोले अगर कोई हड़पट बिरादरी का कोई जीत गया तो क्या उन्हें समय जाके किसी का शेयर करेगा दादी बनाएगा ये बोले नहीं तो ये भगवान भाषण नहीं है। आगे हमारे चेहरे को देखते हैं कि चेहरे पे दाढ़ी सर पे टोपी भगवान भाषण आतंकवादी जिहादी एंटी नेशनल इन्हें बोले सर इनके मुंह से खून गिर रहे मोतिया गिर रहे मोगरा गिर रहा। मैं हमारे लड़कों दादी के लोग सचिव कर रहा हूं कि आप मुतहदा तौर पर 17 अप्रैल के दिन बाबा चौधरी हाथी में वोट का इस्तेमाल करिए। हम आपसे वादा करने के लिए हम पूरा आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर आपकी मसाल के लिए आपके साथ के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह। फिर हमारे मराठा बरादरी के लोग भी इस असेंबली हॉल में बसपा कल्याण में रहते बरसों से हमारे मराठा भाई बोल रहे कि हमको रिजर्वेशन दो मगर ईश्वरप्पा ईश्वरप्पा खाली हमारे क्यों लड़ रहे हमारे मराठा भाइयों को रिजर्वेशन दीजिए हम बनता आऊंगा वो सोशली एजुकेशनली यहाँ पर डॉक्टर है उनको मिलना चाहिए। इसके ऊपर कोई बात नहीं करते आप। और फिर जो कांग्रेस की तरफ से ये वादा किया गया था कि टीपू सुल्तान के नाम से एक सर्कल बनाया जाएगा उसका कल्याण बंगला में वो भी बोले आप क्यों नहीं बनाते भाई हम आपसे वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला आप बसपा कल्याण से आप यहां से हमारे कैंडिडेट को कामयाब करिए। हम ना सिर्फ टीपू सुल्तान सर्कल के नाम से चीज बनाएंगे बल्कि झांसी की रानी का भी नाम रखेंगे इंशाअल्लाह। ये भी नहीं करते। अच्छा ऊपर से लक्ष्मण बोल दिए मैं आ रहा हूं और यहां पर डिवाइड करने की बात करूंगा। मैं लक्ष्मण साहब की पार्टी से पूछना चाह रहा हूं आपने पूरे कर्नाटका में कैटल बैन क्यों लगाया आपने भैंस के काटने पर भी पाबंदी क्यों लगाई आप कौन होते मैं घर में क्या खाता हूं क्या पहनता हूं आपको कोई अख्तियार नहीं है कि आप मेरे घर में झांके मुझसे कहे कि आप ये खाओ ये मत खाओ ये कपड़े पहनो ये बोलो ये मत बोलो। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है राइट टू प्राइवेसी का और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्राइवेसी भारत के शहरियों के लिए उनका बुनियादी हक है और प्राइवेसी का मतलब यह है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं बशर देकर कानून ना तो मैं अपने घर में कुछ भी कर लूंगा। आप कौन होते और इनके इस फैसले से पूरे कर्नाटका में 50 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं 50 लाख लोग जिसने हमारे पूरे बरादरी के बहुत बड़ी तादाद है वो तो उनका ऑक्यूपेशन है सर बरसों से 100 साल 200 साल से वही काम कर रहे आप पूरा उनको रोड पे ला दिए पूरा का पूरा उनको बर्बाद करके
और फिर इसका सबसे बड़ा नुकसान किसान को हो रहा है। वो किसान जो जानवर खरीदता है और एक वक्त के बाद जानवर उसको बेचना पड़ता है नया जानवर खरीदने के लिए। आप वो जानवर भी नहीं खरीदते किसान से, आप पूरे गाजरे को बर्बाद कर दिए। आप बताइए फिर गरीब कहां जाएगा, क्या खाएगा? और 20 का जो घोष होता है, मैं किसी को दिलाजारी के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरा हर किस मतलब ये नहीं। 20 का जो घोष होता है वही तो गरीब खा सकता है ना। अगर आप बोलेंगे नहीं कि दाल खा, अरे फिर दाल महंगी है। भारत का जो गरीब है, चाहे वो मुसलमान हो, गरीब हो, आदिवासी हो, हमारे हिंदू भाई का भी गरीब है, वो क्या खाएंगे फिर? और मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के लोग मेरे सवाल का जवाब दो कि कर्नाटका में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर्थ राउंड हुआ, जिसमें खुद कर्नाटका की सरकार ये कह रही है कि 39% दलित और आदिवासियों के बच्चे सेंटर होते हैं, यानी जो उम्र में उनका वजन हमारा तो वजन नहीं होता। क्या खाएंगे फिर दलित आदिवासियों के बच्चे? या आप कह रहे फिर आप कर्नाटका की हुकूमत सरकार कहती है 40% बच्चे अंडर नरिश, यानी खाने को नहीं मिलता हमें, ये दलित आदिवासियों के। और 56% बच्चे एनीमिक है, खून नहीं है, क्या खाएगा उन्हें? दाल खरीद गांव में। आप बताइए कितना बड़ा जुल्म कर्नाटका में बीजेपी की हुकूमत करने का मकसद क्या है कि हिंदुत्ववाद की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाए, उनके आइडियोलॉजी को पूरे कर्नाटका पर मुसल्लत कर दिया जाए, और उसका नतीजा यह होगा कि गरीब भूखा मर रहा है, 50 लाख लोग बेरोजगार हो चुके इनके गलत फैसले की वजह से। इसलिए आपको मैं अपील कर रहा हूं कि हिंदुत्ववाद की आइडियोलॉजी को जो बीजेपी दिल्ली से बैठकर या बेंगलुरु से बैठकर पूरे कर्नाटका में उसको मुसल्लत कर रही है, उस हिंदुत्ववाद की आइडियोलॉजी को शिकस्त देने के लिए मैं उन तमाम बसपा कल्याण के लोगों से अपील कर रहा हूं जो भारत के प्लुरलिज्म को, भाईचारे भाईचारा को, भारत की मोहब्बत को जान के वो मुतहदा तौर पर 17 तारीख के दिन मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि बीजेपी को पैगाम पहुंच सके कि तुम्हारे गलत फैसले से लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं और गरीब के घर में लोग भूखे सो रहे हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज से 8-9 महीने पहले जब लॉकडाउन हुआ था, आज एक बहुत बड़ी रिसर्च पीईडब्ल्यू की रिपोर्ट आई कि मुल्क में 7.5 करोड़ लोग एब्जेक्ट माने गुर्बत गरीबी के सतह से नीचे जा चुके हैं। 7.5 करोड़ लोग जब लॉकडाउन लगा, ये पूरे ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वाले भूखे मर गए, ना ड्राइवर है चलता, ना गाड़ी चलती, ना मैकेनिक कुछ नहीं, ना मरकजी हुकूमत ना रियासत हुकूमत मदद के लिए आई। आज भाई पैसा नहीं है लोगों के पास, मगर बीजेपी का लोग भी डर जिहाद आ रहे। अरे कैसे दिमाग है ये लोग कि बेंगलुरु में एक हमारी हिंदू बेटी और एक मुसलमान हमारा बेटा बेंगलुरु से बस में बैठ के जा रहे, तो गाड़ी से उतार कर उन दोनों बच्चों को बजरंग दल के लोग 4-9 खूब मारे पीटे और चाकू लेके उस मुस्लिम बच्चे के पेट में 6 मरतबा मारे। क्यों तुम उसके साथ जा रहे? अरे मेरे भाई वो बालिग है, वो बालिग है, छोटे पापा नहीं है वो। आप कौन होते हैं उनको रोक के पूछने वाले? आपको अख्तियार किसने दिया? किसने आपको इतनी हिम्मत दी कि आप सरेआम बस को रोक कर, बस से उतार कर
बच्चे को पीटते हैं कि तू इसको लेके जा रहा है, बच्ची बोलने लगे भाई मैं इसको मेरे साथ जा रहा है, कुछ भी नहीं है, नहीं तू ये कर रहा और चाहू बात ये मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे लोग के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि बजरंगल के लोग थे, अब इससे बोलो लक्ष्मण नहीं बोलिए लक्ष्मण तुम सनातन निकल आता। और फिर वही बेंगलुरु में, वही बेंगलुरु में एक और वाकया हुआ, रहमान और मुस्तफा एमटी गाड़ी में जा रहे, रहमान और मुस्तफा खाली गाड़ी, ये सड़क परिवार के ढूंढे रोक के रहमान मुस्तफा को इतना मारे कि सर के दोनों के पल्ला सुबह ताकि दुश्मन ठंडी करने वाले आ गए। क्यों मारे? नहीं तो कहो के स्मगलर है, अरे गाड़ी खाली है रे, कुछ भी नहीं है उसमें, तो आग का अंदाज मालूम दिमाग का पागल भी है, मगर देख तो सही गाड़ी में कुछ है, और अगर है भी गाड़ी में तो तू कौन होगा रोकने वाला? तू पुलिस का कमिश्नर है, तेरे बाप की हुकूमत है, कानून तेरे बाप का है या संविधान के चलेगा करना चला? रोक के मारे हो बच्चों को, सर फोड़ दिए, कुछ नहीं, न येदियुरप्पा बोलते हैं, न ईश्वरप्पा बोलते हैं, न लक्ष्मण बोलते हैं, न मोदी बोलते हैं, न अमित शाह बोलते हैं, न डीके बोलते हैं, न सिद्धरामैया बोलते, सब बैठ के तमाशा देखते हैं। थाली नहीं बजाना है, सोचना है, थाली बजाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दिमाग जब यहां से आप जाएंगे मैं आप चाहता हूं कि आप एक फिगर लेकर उठे, पैगाम लेकर उठे, ताकि आप एक जहन बना ले 17 तारीख को पतन के निशान पर बगल दबाने के लिए। वो पैगाम मैं आपको देना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर कर्नाटक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, बेंगलुरु में धरना हुआ, गड़बड़ हुई, तशद्दुद हुआ, बच्चों को पकड़ा गया, उनके कारखानों लगा दिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये कानून में इस बात की गुंजाइश है कि 180 दिन तक आप एक शख्स को यह जुर्म पकड़ रहे हैं उनको जेल में रख सकते हैं डिटेंशन में। कितने दिन? 180 दिन। 180 दिन बोलते कितने हो गए सारे, कितने हो गए, कितने? 6 महीने 180 दिन रख सकते हैं। ये कानून कौन बनाए मालूम आपको? कौन बनाया कानून मालूम आपको? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी बनाई 2008 में चिदम्बरम तरमीम करे, मैं दिल्ली में यूपीए हुकूमत की तारीफ कर रहा था, मैं पार्लियामेंट में मुखालिफत किया, उसके खिलाफ कोर्ट दिया, आप भी जाके देखो यूट्यूब पे तस्वीर है। बाद में 2019 जुलाई में अमित शाह ने कानून को और गंदा कर दिया बिल्कुल, और तरमीमात लेकर आए। उस तरमीमात में क्या था कि दिल्ली में एनआईए का कोई इंस्पेक्टर बैठ के हो सकता कि बसपा कल्याण का पूरा शख्स टेररिस्ट है, बगैर कोर्ट उसको सजा दिए, कोर्ट किसी ने सजा दिए तो हो सकता है कोर्ट सजा दी मुझे में कुछ नहीं, दिल्ली में नए का इंस्पेक्टर बैठ के एक बोल दिया फरमान कि फलां साहब बकर टेररिस्ट है बसपा कल्याण का। और अच्छा दूसरा क्या किया कानून में, अगर कोई मैं सीएमए के खिलाफ कोई जांच करूंगा या 370 निकाले के खिलाफ कोई जांच करूंगा तो लगा दो इसके ऊपर। ये जब कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था मंदिर से इतिहाद की तरफ से, मैं और हमारे साथी इम्तियाज जलील साहब इसकी मुखालिफत करे, इसके खिलाफ वोट दिए, और मैंने अपनी पार्लियामेंट की तकरीर में पूरे कांग्रेस के बैठे थे 55 एमपी, मैंने कहा कि ये तुम लोगों की गलती है,
तूने यह कानून बनाया, आज तुम यहाँ पर मोदी अमित शाह की तारीफ कर रहे हो। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे बड़े बड़े लीडर एक एक साल दो दो साल चार चार साल जेल में सड़ के आएंगे, तुमको गरीबों की तकलीफ पाल होगी, तुम पूरे समाज पैसा क्यों बोले मेरा चीज तुम क्या भूख के झूले हैं, तुमको नहीं बोल सकते। वही कानून पार्लियामेंट में कांग्रेस अमित शाह की तारीफ करी, पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी अमित शाह के कानून को गंदा बना दिया गया, स्ट्रिंजेंट बना दिया गया, जो नहीं करा उसकी कांग्रेस तारीफ करी। आज वही कानून की बुनियाद पर बेंगलुरु के बच्चे जेल में सड़ रहे हैं। मैं तशद्दुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मगर नियत ये लगा दिया कांग्रेस पार्टी सपोर्ट की तो मालूम हुआ कि दिल्ली में दोनों राम और श्याम की जोड़ी है, और बसपा कल्याण में आते हैं शेरवानी बोलते हैं बोलता ये बोलता भी की आप क्यों सपोर्ट किए बताओ, राज्यसभा में आपने क्यों तारीफ की। वही यूएपीए का कानून इतना गंदा कानून है, बेल भी नहीं मिलती उसमें, यानी बेल अगर मिल रहा है तो कोर्ट को, मैं अगर वकील हूं तो कोर्ट को बताना पड़ता है कि आप अगर ये बच्चा मुजरिम है केस होगा उसमें, तो कोर्ट को मुतमईन करना पड़ता है कि इसके ऊपर कोई केस नहीं रख सकता, बेल में नहीं होता ये, मगर ये कानून बना दिए, कौन बना है राहुल गांधी और अमित शाह मिलकर बनाए, और गांधी हम क्यों देते हैं, हम उसकी मुखालिफ होती है। ये कांग्रेस पार्टी का असूल है मेरे भाई, ये बीजेपी का असली चेहरा आपके सामने है, इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आपको बसपा कल्याण में इंशाअल्लाह ताला बल्कि पूरे कर्नाटक में आपको अपनी एक खयादत को बनाना है। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत में इजाफा करने को नहीं आया हूं, मैं यहां पर अपनी जात के लिए नहीं आया हूं, ना मेरी नियत को जानने आ रहा है, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अपने वोटों से अपनी पार्टी को अपनी क़यादत को बनाइए और ऐसा काम करिए कि हम इस दुनिया से जाएंगे और हक है हम सबको जाना है इस दुनिया से, कोई नहीं रहने वाला है यहां पर, सबको जाने का है, सबका दी एंड होगा, सबका ही इंशाअल्लाह होगा। असदुद्दीन ओवैसी भी क्या आएगा, मैं भी जमीन की इज्जत बनूंगा, मेरे जिस्म के हड्डियां इस जमीन की मिट्टी में जल जाएंगे, मगर मेरी नीयत यह है कि जब कभी भी अल्लाह मेरी जिंदगी मुझसे छीन ले, अल्लाह का हक है वो अल्लाह ही करने वाला है, मगर मेरा मकसद एक ही है, हम मेरे तमाम मजलिसी रुफका का मकसद एक ही है कि हम चले भी जाएंगे तो आपके पास आपके लिए लड़ने वाला हो, आपकी खिलाफत हो, आपकी आवाज, आपकी तमन्नाओं, आपकी तकालीफ को कोई बयान करने वाला हो, कोई नौजवानों की हिम्मतों को टूटने ना दे, कोई नौजवानों के आंखों से बैठे वासू को रोक कर कहे कि रोने का टाइम नहीं है, बुलाने का टाइम है, कोई हमारी माओ बहनों को हिम्मत लाए कि डरो मत, हिम्मत से काम करो, हमारे बच्चियों को कोई दिलासा दिलाए कि पढ़ो मेरे बच्चियों, इस मुल्क में इस माशरे में जहेज की लानत की परवाह मत करो, मगर तुम तालीम याफ्ता बन जाओ ताकि हमारी बच्चियां जब तालीम याफ्ता हो जाएंगी तो ताकतवर हो जाएंगी। ये काम हम करना चाहते हैं, ये मन से चाहते मुस्लिम का पैगाम है, ये हमारे ख्वाब है मेरे भाई, और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि तुम भी ख्वाब देखना शुरू करो, तुम भी ख्वाब देखना शुरू करो, ये ख्वाबों को पूरा करने का वक्त है, अब आंसू बहाने का वक्त नहीं है, डरने का वक्त नहीं है, ये सोचने का वक्त नहीं है कि अगर इनको वोट दिए तो क्या होगा, अरे क्या होगा मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, लोग आकर इस जलसे के बाद आपसे बोलेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी फिरका परस्त है, मजलिस सेकुलरिज्म को कमजोर करना चाहती है, मैं इनसे एक ही बात पूछना चाह रहा हूं, कहां है इंसानियत, जब एक 13 साल का बच्चा किसी मंदिर में जाकर पानी पीता है तो उसको गिरा गिरा कर मारते आप, 13 साल का प्यासा पानी पीने गया,
ये इंसानियत है, ये सेक्युलरिज्म है, बताओ फिर क्या है? पीयू खान को रोड पे गिरा गिरा कर मारते हैं, इखलाक को मारते हैं। कल एक वीडियो देखा इलाहाबाद में, किसी के घर में घुस कर मार रहे, सामान तोड़ रहे, पुलिस आई तो पुलिस के सामने मारते हैं। मैं इसीलिए लोगों से चिढ़ता हूं, मैं इनसे अपने से बात करके सेक्युलरिज्म की मैं कहता हूं, मैं उस सेक्युलरिज्म को मानता हूं जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। मैं तुम्हारे भगोसले सेक्युलरिज्म को नहीं मानता। सेक्युलरिज्म के यहां पे आके डराएंगे, डरा के भाषण कराएंगे, डरा के हम वोट पर देंगे? नहीं नहीं, अगर आप नहीं दिए तो हम आ जाते। अरे तुमको दिए थे ना, तुम्हारे तेरा भाग गए उसके पास, तुमको ही दिए थे ना, तुम्हारे तेरा के तेरा भाग गए मोदी के पास। चाय पी हम तो बोल रहे थे मत भागो, तुमको कल्याणी बिरयानी खिलाएंगे, मगर तुम चाय के ऊपर भाग गए। क्या बोल सकते? इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे नम्र गुजारिश है कि हमको अपने सिलेक्शन में जमहूरी तरीके से, आजादी तरीके से, मुत्तहिदा तौर पर हमको अपने सियासी शऊर को बताना है। और याद रखिए, ये पहला इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, ये आखिरी नहीं होगा। हम हर बार इलेक्शन लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जी हमको कामयाबी देगा, अल्लाह के बारगाह में सजदा करेंगे, अल्लाह कुछ और नतीजा देगा, तब भी हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हम लड़ते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटने वाले। दुनिया में तुम कितनी बातें बोल सकते, बोल लो मेरे बारे में, तुम बी टीम बोलो, ए टीम बोलो, ये पैसों के नाम पे खुदा क्या क्या बोल सकते बोल लो, मगर मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे इल्जाम से पीछे हटने वाला नहीं हूं। मगर जब तुम मुझे बोलोगे, एक बात याद रखो, तुम्हारा एक एक जुमला मुझे अपने हौसलों को बुलंद करता है, तुम्हारी एक एक गाली मेरे अदम को बुलंद करता है, तुम्हारी एक एक झूठ मुझे सच्चाई के रास्ते पर चलाती है, तुम्हारी एक एक बकवास मेरे पास कोई मान नहीं रखता। क्योंकि मैं इन लोगों को जवाब दे नहीं हूं, ना आप जवाब दे, हम अपने अल्लाह को जवाब दे, हम अल्लाह को जवाब दे। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह दिलों का हाल जानने वाला है, अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह जिल्लत देने वाला है। मैं मखलूक के लिए काम नहीं कर रहा हूं, लोग मजलिस के लोग, हम खालिक को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं, हम खालिक को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। हम मखलूक क्या फिर इख्तदार की कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों से डर कर काम नहीं कर रहे हैं। वजीर आजम मोदी है, चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा है, साबिका चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया है, साबिका चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी है, तो इसको क्या करना है? वो क्या जमाना, वो क्या जमाना, वो उन्हों तक बंदी है कुछ ना, मुझने बात है। अगर मोदी है तो मुझे भी उतना हासिल है भारत में, अगर सिद्धारामैया है तो मुझे भी उतना मोहम्मद है, येदियुरप्पा है तो मैं भी बराबर हूं येदियुरप्पा के, ना वो बड़े हैं ना मैं छोटा हूं। ये मिजाज हमको पैदा करना पड़ेगा, ये नहीं पैदा होने देते लोग, बोलते नहीं नहीं, इन्हें आकर ये तमाम जहर फैला देता। अरे जहर मैं नहीं फैला रहा हूं, तुमने तो हमारी बर्बादी के लिए एक जहर का धार बना के रख दिया, तुमने जहर का झाड़ बना दिया, और तुम हमको जहर दे रहे हो, तुम हमको जहर दे लेकर कमजोर करती हो। बताओ कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते, कितने स्कूल है, कितने अस्पताल है, कितने बेरोजगार है, कितने गरीब है, कितने जेलों में है, कौन है इसका जिम्मेदार? कोई आपके पूछने वाला नहीं है। ये सिर्फ आपकी रियासत नहीं, हर जगह
इसीलिए मैं आप सभी से कह रहा हूं कि हमारी लड़ाई किसी एक मुसलमान हिंदू के लड़ाई के लिए नहीं है, ये गरीब मजलूम आवाम के साथ की लड़ाई है, ये दलितों के हकूक की लड़ाई है, ये हमारे आदिवासी भाइयों के उन पे जुल्म जो है उसको रोकने की लड़ाई है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, हमारे वतन अजीज में अजीब माहौल, जब लॉकडाउन नहीं करना हमारे वजे आजम 8 बजे आ गए, 8 बजे आ गए थे, कमाई मास्क लिया है पिछले साल मास्क में, बोले मैं 8 बजे आ रहा हूं, बीजेपी के लोग बोले क्या दिखता है आपको, मेरा बाबू 2 साल तो बैठ तो मिलने वाला है। 8 बजे आए, 8 बजे भाई बहनो 12 बजे से बात बनाओ, आप अंदाजा लगाइए कि कैसे वजीर आजम है, 137 करोड़ का देश, आप 4 घंटे बोले सब बंद, हमारा बसपा कल्याण का बच्चा महाराष्ट्र में गाड़ी चला तो कहीं तमिलनाडु में चला, क्योंकि बादशाह सलामत के दिमाग में आ गई बात, मैं इस करवट पे उठा, दिमाग में आया क्या नंबर लगाओ 8 8। सिंगापुर जो है हैदराबाद से थोड़ा बड़ा, उन्होंने वहां पे लॉकडाउन के लिए मेरे ख्याल से 2 हफ्ते ज्यादा का वक्त नहीं, बोले इतने दिन के बाद बंद कर रहे, तैयारी कर लो, हमारे वजीर आजम दिल्ली के बादशाह बोले 4 घंटे में बंद, अच्छा वो हो गया, फिर याद है ना आपको कोरोना कैसा कल होता, ताली बजाओ ताली बजाओ, अशुभ नहीं कर सकता, बीमारी का आवाज से भागती ताली बजाओ, क्यों शुरू हो गया मोदी को, ये क्या भाई कंपनी है, ये मेरा कैसा कल होता है, नहीं बोल दिए ना हम, फिर बोले दिया जला पूरे दिया, अरे बीमारी का इलाज ऐसा नहीं होता, मुझे कुछ नहीं करे, चलो कुछ अब तो भाग गया, नहीं भाग रहा हूं, आज भी है, आज भी कोरोना है, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हमारे मुल्क में कोरोना से हो गई, 7.5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए, 10 करोड़ नौकरियां चलेगी फार्मा सेक्टर में नरेंद्र मोदी के फैसले से, अब फिर कोरोना शुरू हो गया, जब तो खूब आ गया था, जब तो मोदी जी बोले थे कोरोना जब खत्म हुआ था, खत्म क्या कम हो गए थे केसेस, 1,000 10,000 हो गए थे, अब अचानक क्या हो रहा, 1 लाख के ऊपर पूरे मुल्क में केसेस हो गए, अब बजाओ थाली बजाओ सूर्य का खाते ना थाली, आजा मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे, आप बताइए कैसा होगा, मेरी आपसे अपील है कि कोरोना आज भी है, जरा मास्क लगाओ, हमारे जरीफ लोगों से अपील कर रहा हूं जो 60 साल के ऊपर के हैं, वैक्सीन ले लो, आपकी जान बचाओ, मैं हमारे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आपकी जान बचाना बेहद जरूरी है, हमारे बुजुर्गों को देखें तो हिम्मत आती नहीं है, अरे बाबा बैठे हुए हैं, जरीफ होगा बाप जरीफ होगी माँ, मगर अगर तखत पे अम्मा बैठी है पान खाते हुए और बाप कुर्सी में बैठा है तो कलेजे को ठंडक पहुंचती, अरे ये हमारे लिए कीमती चीज है, इसीलिए हमारे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, इंजेक्शन ले लो, पहला एक वैक्सीन ले लो, उसके बाद 6 हफ्ते के बाद दूसरा ले लो, वैक्सीन ये तो आता कोविड मगर जान नहीं जाता, जान नहीं जाती आपकी, मगर वैक्सीन दो, जरा मास्क लगाइए और थोड़ा एहतियात करिए, और बुखार आए तो फौरन डॉक्टर के पास जाके बताना, हमारा मामला क्या है, अरे नहीं भाई खाया एक दिन दो दिन में काम हो जाता, नहीं होता रहा हूं शैतान जैसा हरा भी होता है, हम बहुत से खूबसूरत लोगों को खोजिए,
अब हम और लोगों को नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए पूरी एहतियात करेंगे। हम येदियुरप्पा जी से अपील कर रहे जरा लगाओ ना इंजेक्शन, ईश्वरप्पा को लगाओ, पब्लिक को भी लगाओ, ये लक्ष्मण लगाओ ना जी। देखो लक्ष्मण कितनी अच्छी बात करके गया, फिर बाबा को हारो। तो कोविड से आपसे अपील है कि मुकाबला करना है, हिम्मत मत हारिए और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे माजरत चाहता हूं, मुझे कल सुबह 6 बजे बंगाल को जाने का है, वहां पे ममता बनर्जी इंतजार कर रहे हैं, वहां पे कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट बीजेपी सब इंतजार कर रहे हैं, कब आएगी शेरवानी। आप दुआ फरमाइए, अल्लाह हमारे हौसलों को बुलंद रखे, इंशाअल्लाह हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, नतीजा सब दिखेगा। आपसे अपील है कि आप हमारे कैंडिडेट को कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।